हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट तो अभी अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की किसकी ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट की और ओल्ड एंड न्यू मूवमेंट के डिफरेंसेस हम लोगों ने नोट डाउन किए ठीक है थीके? तो अब जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है इकोलॉजिकल मूवमेंट तो इकोलॉजिकल मूवमेंट देखते हैं एक एक क्लास में जल्दी जल्दी जल करके इकोलॉजिकल मूवमेंट पीस एंड मूवमेंट वुमेन को लेकर जो भी मूवमेंट है ये डिस्कस करते हैं कुछ चीजें थोड़ी बहुत मैं इसमें एक्स्ट्रा आपको लिखवाऊंगी एज आई ए यू कुछ बातें हैं बुक में कुछ मूमेंट्स बु, बुक में एक ही मूवमेंट डिस्कस किया गया बेसिकली चिपको मूवमेंट तो मैं एक आधा मूवमेंट एक्स्ट्रा आपको कुछ मूवमेंट डिटेल में कुछ नाम के सिर्फ ओनली नेम नेम मैंशन यहाँ पे करके चलूंगी ठीक है बाकी जो बच्चे ट्वेल्थ वाले हैं उनको तो बिल्कुल इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सब कुछ यहाँ पे है कवर है प्रॉपर नोट्स फॉर्म में बट यार यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट करो सिर्फ इतना हमारे काम की चीज़ नहीं होती है बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है ये तो सिर्फ बेसिक है एक बेसिक लेवल है जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है मैंने आपके लिए एक एम सोशियोलॉजी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है अगर कोई यू वाला बच्चा जो है वो इसे देख रहा है तो, तो आप वो एम ए की वीडियोज़ भी इग्नो वाली प्लीज़ ज़रूर देखिए वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेंगी मैं कुछ और भी प्लान कर रही हूँ धीरे धीरे आप लोगों के लिए कुछ और भी लेके आऊँ और ट्वेल्थ वाले बच्चों की मैं बात करूँ तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए ये जल्दी से चैप्टर खत्म होते ही रिमेनिंग जो दो चैप्टर इसके और एक चैप्टर रह गया है मार्केट वाला आ, आपकी फर्स्ट बुक का कंप्लीट साथ साथ करती रहूंगी और साथ साथ ही हम स्टार्ट करेंगे क्यू एन ए सेशन जो रिवीजन सीरीज चल रही थी ना सोशियोलॉजी की वहां पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट कर देंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करते हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट की सिंपल सी बात इकोलॉजिकल मूवमेंट मतलब रिलेटेड टू द एनवायरमेंट वो मूवमेंट ऐसे मूवमेंट जो रिलेट किए गए एनवायरमेंट की एनवायरमेंट के लिए अब सिंपल सी बात है एनवायरमेंट के लिए किए गए तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किए गए होंगे ना एनवायरमेंट को थ्रेट किस किस चीज़ों से देखो वी आर द ह्यूमन्स हम कई बार क्या करते हैं फॉरेस्ट कट करते जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, है ना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है प्लस एक तो एक्सेसिव यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपरली लोगों को पता नहीं है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग रिसोर्स को रिसोर्स लिमिटेड है तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है तो ये कुछ रीजंस है लोग अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज रिवर्स को हम करना बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं जो आप बहुत बेसिक क्लासेस से भी पढ़ते आए हो तो एनवायरमेंट को थ्रेट है तो एन्वायरमेंट को थ्रेट है तो बचा के रखने के लिए बचा के रखने की जरूरत है और कुछ लोग जो लोग जो लोग सेंसिटिव हैं जिन लोगों में थोड़ा बहुत भी एनवायरमेंट के टुवर्ड्स कंसर्न है दे विल रेज ये वॉइस वो, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं वैसे तो आज की डेट में बहुत सारी एनवायरमेंट को लेकर बॉडीज बन चुकी हैं बहुत सारे एनजीओज हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं खुद गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी प्लान पॉलिसीज ला रखी हैं जिसमें हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं लेकिन फिर भी अभी बात करते हैं हम कुछ मूवमेंट की जो थोड़े पहले के हैं बिल्कुल रीसेंट के मूवमेंट ये नहीं है तो यहाँ पे हम बात करते हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट एक न्यू कंसेप्ट है जैसे मैंने बताया ना ओल्ड में तो सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन कवर कर रहे थे तो इसको अगर मैं ओल्ड और न्यू के कंपेरिजन में डालू तो हम कहाँ डालेंगे न्यू मूवमेंट में जरूरत क्यों थी इकोलॉजिकल मूवमेंट की बताया ना मैंने ये सब हो रहा था एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा डिफॉरिस्टेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है उस वजह से हो रहा है तो मुझे तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है अब बात करते हैं अब यहां पे हमने अब बात करा क्यों है क्योंकि हमें क्या करना है प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट को अब जो कटिंग डाउन फॉरेस्ट है ये नेचुरल डिस्ट्रक्शन है आप फॉरेस्ट काट रहे हो तो ये एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन है जिससे क्या होता है कई बार फ्लड्स आ जाती है फॉरेस्ट जो है वो रोकने का काम कर रहा है तो वो नहीं है तो फ्लड्स आ जाएंगी प्लस लैंडस्लाइड्स भी हमें देखने को मिलती है इन दिलीज हिली एरियाज बेसिकली बात करें तो तो ये प्रॉब्लम होती है अब यहाँ पे जो एनवायरमेंट को लेकर एक मेजर डिटेल में आपका पूरा मूवमेंट डिस्कस किया गया है वो है चिपको मूवमेंट आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी इस कंसेप्ट को वैसे पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट को बट यहाँ पे भी थोड़ा जितना है पढ़ लेते हैं इसको देखिए उसके बाद लिखिए और एक बार बुक से भी रीड कर लेना चिपको मूवमेंट 1973 में बेसिकली ये मूवमेंट आया और 1978 में थोड़ी सी इसने जो थी अपनी पेस पकड़ी थोड़ा और तेजी पे यहाँ पे चीजें स्टार्ट हो गई थी प्लेस की मैं बात करूँ तो चमोली डिस्ट्रिक्ट और बाद में टेहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड का बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये जो था ये मूवमेंट हमें देखने को मिला कुछ लीडर्स के नाम मेंशन है बहुत सारे लीडर्स थे सबके नाम लिखने याद करने जरूरी नहीं है कुछ लीडर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे आप याद कर सकते हैं इनको सुंदरलाल भगुना गौरा देवी गोविंद सिंह रावत एंड घनश्याम रतौरी ये नाम कुछ आप याद कर सकते हो एम क्या था एम था हमें प्रोटेक्ट करना है ट्रीज को ऑन द हिमालयन स्लोप फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द फॉरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर जो है फॉरेस्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उन पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे थे तो हमें उन पेड़ों को प्रोटेक्ट करना है और ये कहानी हमें बहुत पहले से पता है कि भी फीमेल मेल मेल मेंबर उस, उस ट्री की जो पर्टिकुलर ब्रांच होती है उससे जाके वो चिपक गई थी है ना उस की बाघ से वो लोग जाके सब टिप जा, जो थे चिपक गई थी वुमेन दैट तो इस मूवमेंट को हम चिपको मूवमेंट बोलते हैं ना तो यहाँ पे क्या था वुमेन ऑफ अडवाणी विलेज ऑफ टेहरी गरवाल Tie the scat thread. उन्होंने ट्रंक्स पे एक धागा बना ऑफ ट्रीज एंड दे द ट्रीज और उस पेड़ को वो हक करके खड़े हो गई वहां पे सारी वुमेन uh, वो जनरली वो कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर रही थी अलाउ नहीं कर रही थी कि पेड़ काटो अब आप खड़े हो हो गए तो कॉन्ट्रैक्टर पेड़ कैसे काटेगा वो पेड़ नहीं काट सकता ना तो दैट्स वाई वो क्या कर रही थी उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा कुछ और करने का इस चीज को बचाने का कि जो कॉन्ट्रैक्टर पेड़ काट रहा है उनके पास दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था दैट्स वाई वो पेड़ को हक करके खड़ी हो गई तो इसीलिए इसको चिपको और हक द ट्री मूवमेंट भी कहा जाता है अब बेनिफिट उन क्यों आइडियोलॉजी क्या थी उनकी इसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी थी कि जो फॉरेस्ट का बेनिफिट है वो लोकल पीपल को ही जाना चाहिए ना आप आ रहे हो फॉरेस्ट से सारी ट्रीज काट रहे हो बेनिफिट ले रहे हो अपने हिसाब से यहाँ पे आप आ, डिफोरेस्टेशन हो रही है तो आप इंडस्ट्रीज uh, लगाओगे या कुछ भी और चीज़ स्टैब्लिश करोगे तो ये सारा जो बेनिफिट है लोकल पीपल को मिलना चाहिए ये बेनिफिट जो है ये इधर उधर लोगों को या कैपिटलिस्ट अप्रोच फॉलो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी तो दिस इज अबाउट द चिपको मूवमेंट तो ये एक एन्वायरमेंट को लेके एक मूवमेंट था मतलब ये एक तरीके का क्या था

सत्रह आप देख रहे हो कितना पुराना टाइम है यहाँ पे पहली बात तो ये ध्यान रखो ठीक है उन्होंने बिश्नोई विलेजर्स के साथ मिलकर ये मूवमेंट किया अब हो क्या रहा था कि जो राजा जो थे ना राजा का राजा का मनना था महल तो राजा के सोल्जर आए पेड़ काटने उस महल को बनाने के लिए चाहिए थी लकड़ियां वकड़ियां तो राजा के सोल्जर आए पेड़ काटने अब यहाँ पे अमृता देवी ने उठाई अपनी आवाज कि यहाँ पे किंग के सोल्जर्स को हम पेड़ काटने नहीं देंगे तो कुछ ये बेसिक सी बात है किसकी बिश्नोई मूवमेंट की इतना जानना मोर देने नफे बींग डाउन किंग न्यू पैलेस हम राजा के नए पैलेस के लिए यहाँ से पेड़ नहीं कटने देंगे ये आवाज उठाई किसने अमृता देवी ने Along with सम बिश्नोई विलेजर यहाँ पे बहुत लोग जो थे वो मरे भी थे इस मोमेंट में काफी लोगों ने अपनी जान भी गवाई थी अब आगे हम बात करते हैं तो ट आप चाहो जिसको इंटरेस्ट है जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है जिसके पास बहुत टाइम है ये सब करने के बाद वो बच्चा ये मूवेंट नेट से सर्च करके देख सकता है मैं अभी यहाँ पे प्रॉपर सेपरेट सारे मूवमेंट आपको नहीं करा रही हूं अदरवाइज हम इकोलॉजी क्योंकि बुक में भी नहीं है चीजें अदरवाइज हम ऐसे इकोलॉजिकल मूवमेंट पर ही अटके रह जाएंगे हमें आगे और भी मूवमेंट करने हैं मुझे आपको पीस एंड मूवमेंट वर्क मूवमेंट वूमेन्स से रिलेटेड मूवमेंट भी करानी है तो अदर मूवमेंट की मैं बात करूँ तो एक एपिको मूवमेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन है नर्मदा नदी पे क्या हो रहा था यहाँ पे जब डैम बनते हैं ना तो डैम बन रहे हैं तो आप लोगों को डिस्प्लेस करते हो उनकी रहने की जगह से और रिवर अब तो रिवर में तो जो होता है रिवर का डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का और लोगों को घर नहीं प्रोवाइड करा जाता है तो दैट्स वाई जो लोग होते हैं वो आवाज रेज करते हैं डिटेल में आप पढ़ना चाहो पढ़ लोगे पढ़ लेना भी इसको और टहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट था ठीक है तो ये चीजें जो थी ये क्या थी ये अदर मूवमेंट थे रिलेटेड टू इकोलॉजी रिलेटेड टू एनवायरमेंट रिलेटेड टू जो मूवमेंट रेस किए गए बेसिक एम था टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट क्लियर सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पीजेन मूवमेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगेन आई एम सेइंग चैप्टर खत्म होने वाला है खत्म होते ही मैं जितने चैप्टर के मैंने नोट्स से पढ़ाया है जितने भी मैंने नोट्स से पढ़ाए हैं उनके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगी तो इफ पॉसिबल प्लीज डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो उसको जाके जल्द से जल्द बिकॉज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हर बच्चे को इंडिविजुअली नोट्स भेजना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ठीक है कोशिश करूंगी मैं दो चार दिन में ये सब काम खत्म करूँ नोट्स वोट्स का ठीक है आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर लें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बाकी जल्दी से जल्द हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग